वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये एमकेटी 501 मार्केटिंग मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 16th लेक्चर है और इसका जो मेन टॉपिक है वो है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। सो पैकेजिंग एंड लेबलिंग क्या है? पैकेजिंग का मतलब होता है इनक्लोज करना किसी भी प्रोडक्ट को, फिजिकली इनक्लोज करना यानी कि उस प्रोडक्ट को बंद कर देना किसी चीज़ के अंदर या लपेट देना, तो उसको जो है पैकेजिंग कहा जाता है। और लेबलिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी जो है वो या तो कोई चीज़ लिखी हो या कोई ग्राफिक्स बनी हो पैकेजिंग के ऊपर, तो उसको कहा जाता है लेबलिंग। ग्राफिक्स से मुराद कोई भी जाहिर बात है तस्वीर वगैरह बनी हो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, सो उसको जो है वो लेबलिंग कहा जाता है। या लेबलिंग के अंदर या तो लिखी हुई भी हो सकती हैं चीज़ें और तस्वीर वगैरह भी बनी होती है, दोनों ही चीज़ें जो है वो लेबलिंग के अंदर शामिल होती हैं। सो द पर्पस ऑफ पैकेजिंग एंड लेबल्स, अब जो पैकेजिंग और लेबल्स किया जाता है इसके कुछ पर्पस हैं। पहला ये कि फिजिकल प्रोटेक्शन होना ऑब्जेक्ट की, यानी कि जो प्रोडक्ट है उसकी फिजिकली तौर पे उसकी प्रोटेक्शन होना। और प्रोटेक्शन किन किन चीज़ों से प्रोटेक्शन होती है? उसके अंदर रेन शामिल है, जाहिर बात है बारिश है। अगर प्रोडक्ट जो है वो पैकेजिंग के अंदर होगी तो बारिश से भी बच सकती है, हीट से बच सकती है और सनलाइट से भी बच सकती है, कोल्ड से भी, सर्दी से भी। इसके अलावा और भी कई सारी ऐसी चीज़ें जिनसे जो है वो एक प्रोडक्ट जो है वो बच सकती है, उसकी प्रोटेक्शन होती है जब वो पैकेजिंग के अंदर होती है। दूसरी चीज़ है एग्लोमरेशन। एग्लोमरेशन का मतलब ये कि एक तरह से ग्रुप प्रोडक्ट्स का जो है वो ग्रुप, यानी कि बहुत सी चीज़ें इकट्ठी बंद कर देना, उसको जो है वो एग्लोमरेशन कहा जाता है। सो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जो है यानी स्मॉल प्रोडक्ट्स को जो है वो ग्रुप बना के उनका जो है एक पैकेज के अंदर जो है वो बंद कर दिया जाता है। एक ही पैकेज के अंदर जो है वो प्रोडक्ट्स का जो है वो ग्रुप बना के जो है वो उनको बंद कर दिया जाता है, इसको हम कहते हैं एग्लोमरेशन। उसके बाद है इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन। इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जाता है लेबलिंग के ज़रिए। सो इंफॉर्मेशन जितनी भी यूज़फुल इंफॉर्मेशन होती है वो लेबलिंग के ऊपर जो है वो लिखी हुई होती है। इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन होती है मतलब जो यूज़फुल होती है उसके अंदर कई सारी चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि किस तरीके से प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया जाए। अक्सर आपने देखा होगा कई सारी प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिस पर लिखा होता है कि उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए और डिस्पोज किस तरीके से किया जाए प्रोडक्ट को, ये भी लिखा हुआ होता है। और फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स होती हैं मेडिसिन वगैरह, उसके ऊपर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दी होती है जो गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वायरमेंट होती है वो इन्फॉर्मेशन देना। सो ये भी एक फ़ायदा होता है इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिशन का पैकेजिंग के ज़रिए और लेबलिंग के ज़रिए। इसके अलावा मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग के अंदर जो है वो इजाफा होता है पैकेजिंग और लेबलिंग के ज़रिए। पैकेज डिज़ाइन जो है वो इम्पोर्टेंट होता है कंज्यूमर के ज़रिए, कंज्यूमर के लिए सॉरी। पैकेजिंग और लेबल को जो है वो मार्केटर इस्तेमाल करता है एनकरेज करने के लिए पोटेंशियल बायर को कि वो प्रोडक्ट को जो है वो परचेज करें। और पैकेज का जो डिज़ाइन है जारी बात है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट होता है बायर्स के लिए, क्योंकि डिज़ाइन से बायर अट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद है फिर रिड्यूसिंग थेफ्ट। जब एक प्रोडक्ट जो है वो पैक होती है तो कम चांस होते हैं कि उसको कोई चोरी करे। एक खुली प्रोडक्ट जो होती है वो ज़्यादा आसानी से चोरी हो जाती है और जो एक बंद प्रोडक्ट होती है वो इतनी आसानी से चोरी नहीं होती। कोई पूरा का पूरा पैकेट उठा के ले जाए वो एक अलग बात है, लेकिन जाहिर बात है खुली प्रोडक्ट का चोरी होना आसान है एज़ कम्पेयर टू जो पैक प्रोडक्ट है उसके मुकाबले में। तो कुछ पैकेज बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और जाहिर बात है इसी वजह से उनको चोरी करना भी जो है वो बहुत मुश्किल होता है। नाउ दी पैकेजिंग टाइप्स। पैकेजिंग की भी कई सारी टाइप्स हैं, जैसे कि बॉक्सेस हैं जो कि कॉमन टाइप्स हैं, अक्सर आपने प्रोडक्ट्स को बॉक्सेस के अंदर देखा होगा। इसके अलावा पैलेट्स हैं जिसको यूज़ किया जाता है जब एयरलाइन या शिप ट्रांसपोर्ट होती है वहाँ के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। ये जो है प्लास्टिक का भी हो सकता है और वुडन भी हो सकता है। और इसके अलावा बैग्स होते हैं जैसे सीमेंट बैग्स वगैरह, और बॉटल्स होती हैं जिसके अंदर बेवरेजेस वगैरह या पानी जो है वो पैक किया जाता है, और कैंस होते हैं।
कैंस के अंदर भी बेवरेजेस वगैरह होती हैं, कार्टन्स होते हैं, ये जो है वो बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं जो आपको होलसेलर्स के पास दिखाई देंगे, और एसेप्टिक पैकेजेस होते हैं। ये जो पैकेजेस होते हैं ये फूड या फार्मास्यूटिकल जो फर्म्स होती हैं वो इस्तेमाल करती हैं, और इसके अलावा रैपर्स यूज़ किए जाते हैं, और ब्लिस्टर पैक्स होते हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं, और इनका इस्तेमाल जो है वो अक्सर मेडिसिन के अंदर जो है वो यूज़ होता है। अगर आप मेडिसिन जो है वो एक या दो कोई भी कैप्सूल वगैरह ख़रीदें या फिर वो जिस पैकेजिंग में आता है वो ब्लिस्टर पैक होता है। इसके अलावा बेल्स होते हैं, ये जो होता है ये एयर टाइट किस्म की रैपिंग होती है। पैकेजिंग एज अ पोटेंट मार्केटिंग टूल, एक टूल है ये, पैकेजिंग जो है वो एक टूल के तौर पे भी इसको यूज़ किया जाता है मार्केटिंग के। इसका फ़ायदा जो है वो सेल्फ सर्विस के अंदर भी इसका बहुत फ़ायदा होता है। पैकेजिंग से जो है वो कंज्यूमर आइडेंटिफाई कर लेता है प्रोडक्ट्स को, और आज के दौर में सेल्फ सर्विस काफ़ी कॉमन है। हमारे यहाँ भी काफ़ी सारी सुपर मार्केट्स हैं, वहाँ पे जो है वो सेल्फ सर्विस होती है, कंज्यूमर ख़ुद से जो है वो प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता है और जो है वो प्रोडक्ट को जो है वो ट्रॉली में डालता है और वो फाइनली काउंटर पे ले जाके पेमेंट कर देता है। तो वहाँ पे जो सेल्फ सर्विस होती है, सेल्फ सर्विस वहाँ पे पैकेजिंग जो है वो बहुत काम आती है। दूसरी चीज़ है कंज्यूमर एफ्लुएंस। कंज्यूमर आज का जो कंज्यूमर है वो पैकेजिंग की वजह से एक्स्ट्रा पे करने के लिए तैयार है, क्योंकि पैकेजिंग की वजह से उसका जो डिसीजन है उसके लिए भी उसको आसानी है पैकेजिंग की वजह से। एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से अलग है पैकेजिंग की वजह से। कंज्यूमर इस चीज़ के लिए तैयार है कि वो थोड़ा अगर एक्स्ट्रा भी पे कर रहा है पैक प्रोडक्ट के लिए तो वो देने के लिए तैयार है। आजकल लोग खुली प्रोडक्ट्स से ज़्यादा पैकेट वाली प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एंड कंपनी एंड ब्रांड इमेज, पैकेजिंग की वजह से कंपनीज जो है वो ब्रांड इमेज अपना इस्टेब्लिश करती हैं, और उनकी जो इमेज होती है प्रोडक्ट की उसमें भी जो है वो इजाफा होता है। जो ब्रांड होती है वो प्रमोट करती हैं कंपनीज पैकेजिंग के ज़रिए, पैकेजिंग के ऊपर ही ब्रांड नेम लिखा हुआ होता है, और एक जितनी अच्छी पैकेजिंग होती है उससे एक इमेज भी बनता है। उसके बाद है फिर इनोवेट अपॉर्चुनिटी, ब्रिंग्स इनोवेटिव आइडियाज़ इन प्रेजेंटिंग द प्रोडक्ट। पैकेजिंग टाइप्स, पैकेजिंग की भी टाइप्स होती हैं। प्राइमरी पैकेजिंग होती है, प्राइमरी पैकेजिंग से मुराद वो पैकेजिंग होती है जो डायरेक्टली टच कर रही होती है प्रोडक्ट को, जैसे कि बॉटल के अंदर जो है वो कोई भी बेवरेजेस वगैरह मौजूद है या पानी मौजूद है बॉटल में, तो वो डायरेक्टली टच कर रहा है उस प्रोडक्ट को, तो वो जो है उसकी प्राइमरी पैकेजिंग है। और इसके बाद है फिर सेकेंडरी पैकेजिंग। अब प्राइमरी पैकेजिंग के अंदर ऑलरेडी प्रोडक्ट मौजूद है लेकिन बॉटल्स है, अब बॉटल के अंदर ऑलरेडी प्रोडक्ट मौजूद है यानी कि पैकेजिंग तो ऑलरेडी उसकी है, लेकिन उस पैकेजिंग के अंदर भी जाहिर बात है उसके बावजूद उसको बॉक्सेस में रखा जा रहा है। अब वो एक बॉक्स में कई सारी बॉटल्स को रखा जाता है, वो जो पैकेजिंग की जाएगी वो उसकी सेकेंडरी पैकेजिंग होगी। कई सारी बॉटल्स को एक साथ कर दिया जो अक्सर होलसेलर्स के पास आप देखते होंगे, वो जो है वो उसकी सेकेंडरी पैकेजिंग के लाई जाएगी कि एक साथ कई सारी बॉटल्स को कर दिया, या तो बॉक्स में रखा गया या उसके ऊपर कोई सील लगा दी, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स के ऊपर सील भी लगा दी जाती है, तो वो जो है उसकी सेकेंडरी पैकेजिंग होती है। उसके बाद है फिर ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग। अब ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग जो होती है ये इस हिसाब से की जाती है कि गुड्स जो है, सामान जो है वो प्रोटेक्ट रहे जब उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, चाहे वो ट्रक में किया जा रहा है, ट्रेन में किया जा रहा है, कहीं पे भी उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है किसी भी ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, तो वो जो है प्रोटेक्ट रहे, सेफ रहे, उसको ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग कहा जाता है। इसके अलावा डेकोरेटिव पैकेजिंग होती है जो कि डेकोरेशन के साथ करना है, यानी पैकेजिंग ऐसी हो जो डेकोरेशन वाली हो। ये जो है ब्रांड प्रमोशन के लिए की जाती है, और जाहिर बात है ये टेम्परेरी होती है क्योंकि जितनी ज़्यादा इसकी ड्यूरेशन की जाएगी तो उतनी ज़्यादा जो है वो कॉस्ट जो है वो बढ़ेगी, और फिर कॉस्ट बढ़ेगी तो कंज्यूमर के ऊपर फिर बर्डन बढ़ेगा। इसके बाद है फिर मैंडेटोरी लेबलिंग। अब मैंडेटोरी लेबलिंग का मतलब ये होता है कि रिक्वायरमेंट होती है कंज्यूमर प्रोडक्ट की कि वो स्टेट करें अपने इंग्रेडिएंट्स और कंपोनेंट को, यानी कि आप जो भी उनके कंपोनेंट और इंग्रेडिएंट्स हैं उसको बताएं, वो जो है मैंडेटोरी लेबलिंग कहलाई जाती है। तो ये था आज का लेसन। आपको अगर इस लेसन के बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए,
और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये स्लाइड हासिल करनी है तो उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।